समाज के लिए मिसाल बनी ये जोड़ी। इन्हें देखकर हर कोई कह रहा है कि प्यार हो तो ऐसा। विकास कंचुरा के एक युवक ने दिव्यांग युवती के साथ प्रेम विवाह करके अनोखी मिसाल प्रस्तुत की है। लड़की दिव्यांग है और लड़का पूरी तरह से स्वस्थ है। युवक मजदूरी का काम करता है। ये खबर एक पिक्चर की कहानी से कम नहीं है, जब लड़का इंद्रजीत मांझी कुसुमबूड़ा निवासी, जो कि छुरा के एक दुकान में काम करता है, वो अपने दोस्त के यहाँ शादी में गया हुआ था, तो उसको अपने मित्र से एक फोन नंबर मिला और वह नंबर शांति मांझी का था। लड़का लगातार उससे बात करता रहा, ये जानते हुए भी कि उसके दोनों हाथ नहीं है और उसका शरीर भी कमजोर है। फिर भी लड़के को लड़की से बेइंतहा प्यार हो गया और लड़की ने भी लड़के के प्रपोजल को स्वीकार किया और दोनों के बीच लगातार बात होती रही। लड़के को उससे इतना प्यार हो गया कि लड़की के दोनों हाथ नहीं है, ये जानते हुए भी लड़के ने सब बातों को किनारा कर लड़के ने उससे शादी करने की ठान ली। लड़के के घर वाले किसी और लड़की से लड़के की शादी कराना चाह रहे थे, तभी लड़के ने घर से निकलने का विचार बनाया और घर वालों से झूठ बोलकर अपने घर से लड़के शांति मांझी बागबारा निवासी के पास चला गया और दोनों बागबारा में मिले। फिर लड़का इंद्रजीत सॉरी और लड़की शांति मांझी के मांग में सिंदूर भरकर मंदिर में शादी कर ली। फिर दोनों एक माह तक एक साथ रहे। इस दौरान लड़की खुद अपने पैरों से खाना बनाती थी लड़के और अपने लिए, और लड़का काम पर जाता और शाम को लौट आता। ऐसा एक माह तक चलता रहा। मैंने इसलिए बुलाया था, मतलब समझाने के लिए। किसको समझाने के लिए? मेरे घर वाले को। तो क्या बोले उन लोग? समझाया मेरे घर वाले को, मेरे को तब ये लोग बोले घर में नहीं रखेंगे ऐसे किसी। अलग रहने के लिए तैयार? हाँ, वो अलग रहने के लिए हम लोग तैयार थे। क्या हुआ था मैडम आपके साथ? हाँ, एक साल पहले इनसे बात हुआ, उसके बाद दो दिन पहले उसको बताया कि मेरा दोनों हाथ नहीं है करके। उसके बाद एक महीने के बाद शादी हुआ, हम दोनों को साथ में रहने लगे। उसके बाद उसके माँ पापा आकर इसको ले गए, अब वो रहे नहीं रखेंगे साथ में सर। अब क्या चाहते हो आप? तो हम दोनों अलग रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम शांति है।